नमस्ते दोस्तों, मार्केट से हमें कई बार सुनने में आता है कि गीजर में आने वाली पाइपलाइन सॉफ्ट होकर फट गई। इस समस्या से बचने के लिए प्लास्टो लाया है गीजर सेफ्टी पाइप। ये एक कनेक्शन पाइप है जो गीजर बर्स्ट जैसे बड़े हादसे को रोकने में सक्षम है। प्लास्टो का गीजर सेफ्टी पाइप 70 डिग्री सेल्सियस तक के पानी को आसानी से हैंडल कर लेता है। प्लास्टो का कनेक्शन पाइप गीजर और पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ने नहीं देता। ये गीजर सेफ्टी पाइप हीटर के मैक्सिमम टेम्परेचर के पानी को ले जाने के लिए भी सक्षम है। अब अगर पानी का टेम्परेचर इस मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा जाएगा तो प्लास्टो का ये गीजर सेफ्टी पाइप अपने आप फट जाएगा, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। लेकिन आखिर गीजर का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा क्यों जाता है? प्लास्टो में हमने एक डमी बाथरूम सेटअप किया ये समझने के लिए कि गीजर का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा क्यों जाता है। आपके घरों के गीजर 55 डिग्री सेल्सियस पर सेट रहते हैं। इस नॉर्मल कंडीशन में प्लास्टो का कनेक्शन पाइप प्रॉपर काम कर रहा है। अब हमने इस गीजर को उसके मैक्सिमम टेम्परेचर पर सेट किया, यानी 75 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें भी जैसा आप देख सकते हैं, प्लास्टो का गीजर सेफ्टी पाइप को कुछ नहीं हुआ। क्या होगा ये टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाए? किसी भी गीजर का टेम्परेचर उसके मैक्सिमम टेम्परेचर से ज्यादा तब जाता है जब गीजर का थर्मोस्टैट खराब हो गया हो। गीजर का थर्मोस्टैट खराब होना पाइप फटने का मेन कारण हो सकता है। ये सेंसर गीजर को बताता है कि पानी को कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है, और जब पानी उतने टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है तो यही सेंसर गीजर को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। आइए प्लास्टो के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इस थर्मोस्टैट के बारे में जानते हैं। ये गीजर है और ये थर्मोस्टैट है। इसका रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। हमने सेट किया है 55 डिग्री सेल्सियस। अगर अपना जो गीजर है 55 डिग्री सेल्सियस उसका वाटर टेम्परेचर आता है तो ये थर्मोस्टैट उसको स्विच कर देगा। तो अगर ये थर्मोस्टैट खराब हो जाता है तो गीजर को पता नहीं चल पाता कि पानी को कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है। हम आपको दिखाएंगे कि अगर गीजर का थर्मोस्टैट खराब हो जाता है तो पाइपलाइन पे क्या असर पड़ता है। हमने इसका टेस्ट करने के लिए इसको अभी बाईपास कर दिया है। आप देख रहे हो कि इसका वायर हमने निकाल के यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। ठीक है, अभी इसका वर्किंग कुछ भी नहीं है और हमारा जो गीजर चलेगा अभी डायरेक्टली चलेगा मैन्युअली। जब टेम्परेचर हीटर के मैक्सिमम टेम्परेचर से आगे जाता है तो प्लास्टो का गीजर सेफ्टी पाइप, जिसकी कैपेसिटी 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस की होती है, सॉफ्ट होकर फट गया, जो कि आपकी सेफ्टी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर प्लास्टो का ये गीजर सेफ्टी पाइप नहीं फटता तो हो सकता है गीजर फट जाता, जो जानलेवा हो सकता है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए। इसको दर्शाने के लिए हमने प्लास्टो गीजर सेफ्टी पाइप की जगह मेटल का कनेक्शन पाइप लगाया, क्योंकि SS पाइप की टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है CPVC पाइप से, जिससे वो बढ़ते टेम्परेचर को आसानी से सह लेता है, लेकिन CPVC पाइप फट जाता है। आमतौर पर लोग मजबूत से मजबूत कनेक्शन पाइप खरीदना चाहते हैं, लेकिन जैसा आपने देखा SS कनेक्शन पाइप की ज़्यादा मजबूती की वजह से CPVC पाइप फट गया, और अगर पाइप नहीं फटता तो आपका गीजर फट जाता। प्लास्टो का गीजर सेफ्टी पाइप एक इलेक्ट्रिक ट्रिप की तरह काम करता है। जैसे ज्यादा वोल्टेज पर या शॉर्ट सर्किट होने पर लाइन ट्रिप हो जाती है जिससे आग नहीं लगती, वैसे ही प्लास्टो का ये गीजर सेफ्टी पाइप पाइपलाइन और गीजर में ज्यादा प्रेशर बढ़ने नहीं देता और पहले ही प्रेशर को निकाल देता है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो जैसा आपने देखा, प्लास्टो का गीजर सेफ्टी पाइप एक सेफ्टी मैकेनिज्म जैसा काम करता है। ये पाइप गीजर बर्स्ट जैसी बड़ी दुर्घटना होने से बचा सकता है। आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो या इससे आपने कुछ आज नया सीखा हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। प्लास्टो है तो गारंटी है। गारंटी का दूसरा नाम मजबूती, जिसकी पहचान प्लास्टो, ये है प्लास्टो।